उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में ग्राम सभा कोप जंगल में करोड़ों की लागत से बने गोवंश आश्रय में चारे पानी और इलाज के अभाव में आए दिन एक के बाद एक बेजुबान पशु दम तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिन गायों की मौतें हो जाती हैं उनके मौत का बिना कारण पता किए चोरी छुपे उन्हें दफना दिया जाता है या उन्हें पिकअप में लादकर कहीं दूर भेज दिया जाता है। अब सवाल यह है कि योगी सरकार के करोड़ों की लागत से बने गोवंश आश्रय में आखिर कब तक बेजुबान पशु यूं ही दम तोड़ते रहेंगे और आखिर कब तक दोषियों पर कार्यवाही का दौर शुरू होगा। हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के ग्राम सभा कोप जंगल में, जहां निराश्रय पशु आश्रय में जो है चारे और पानी के अभाव में एक के बाद एक गाय जो है वो दम तोड़ रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं, जैसा कि यहां तस्वीरें मैं दिखा दूं आपको, एक गाय जो है किस तरह से जो है मरणासन की अवस्था में जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। बता दें कि इस पूरे पशु आश्रय केंद्र में जो है हमने अभी जो है मुआयना किया है, पशुओं की गिनती की है। कागजों में तो पशु जो है 126 देखने को मिले हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है यहाँ पर हम आपको बता दें कि 85 पशु जो है वो इस वक्त मौजूद है, यानी कि बाकी पशुओं का जो है कुछ पता नहीं है। आपको बता दें कि ये जो हमारे अभी हमने जो है आपको दिखाया, एक पशु जो है किस तरह से पशु आश्रय केंद्र में अभी अपनी अंतिम सांसें जो है गिन रहा, मरणासन की अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो पशु मरते हैं बिना पीएम किए, बिना मौत का कारण पता किए, किस तरह से उनको जो है दफन कर दिया जाता है, उस जगह पे हम पहुंचे हैं। ये वही जगह है, आपको बता दें यहाँ तीन पशु जो है उन्होंने दम तोड़ा था, जिसके बाद बिना किसी पीएम के, बिना मौत का कारण पता किए इसी जगह पे जो है दफन कर दिया गया उन पशुओं को। यूपी के जहांगीराबाद में शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में चल रही 4 दिवसीय 65वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश के जिलों से लगभग 300 छात्राएं व लगभग 260 छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें 3 खिलाड़ियों को फर्जी तरीके से अपने दस्तावेजों में हेरा फेरी कर प्रतियोगिता में भाग लेने पर कॉलेज प्रशासन ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिन्होंने अपनी जन्मतिथि को बदल कर खेलने का प्रयास किया है, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। कैमी प्रतियोगिता चल रही है, ये 65वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता है जो 10 सितंबर को विद्यालय में प्रारंभ हुई, कल 13 सितंबर को इसका समापन समारोह हो जाएगा। कितने छात्राएं भाग ले रही हैं इसमें? 200 छात्राएं और 300 छात्र, 560 प्रतिभागी प्रतिभा कर रहे हैं। सुनने में आया कुछ छात्र फर्जी पकड़े गए इसमें? ये खेल में खेल बड़े पुराने समय से चल रहा है सुल्तान भाई, लेकिन हमने हमेशा फर्जियों को पकड़ने के भरपूर प्रयास किए हैं, शासन का सहयोग है। अभी तक 3 खिलाड़ी फर्जी पकड़े गए हैं। फर्जी का सेंस इनका क्या है कि सबसे पहले इसी एज ग्रुप में डेट ऑफ बर्थ जो थी उससे खेले, लेकिन अभी ये ओवर हो गए, नेशनल नहीं जा पाए, तो इन्होंने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करा के धोखाधड़ी से दूसरे दस्तावेज तैयार कराए, डेट ऑफ बर्थ बदलवा। पेंटाक्ली परियोजना के 8 दरवाजों में जल के बहाव में वृद्धि की गई है। आज वर्तमान स्थिति में 8 द्वार को 30 सेंटीमीटर खुला किया गया है, दरवाजा नंबर 4 खुला 20 सेंटीमीटर है। बता दें कि पेनगंगा नदी में बेसिन में 9650 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण पेनगंगा नदी अशांति से भर गई है। पड़ोसी क्षेत्रों के कई गांव को चेतावनी से आगाह कर दिया गया है। नदी अभी उफान पर होने की वजह से संबंधित सभी गांव में और रास्तों पर इसका असर पड़ सकता है, इसके लिए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। पीलीभीत के बरखेड़ा में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, रजिस्टर एवं भ्रमण रजिस्टर की जाँच की गई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों से बातचीत की गई और उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा गया।